नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi 14 Ultra G vs Motorola Edge 50 Pro 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही 6.35 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो 14 अल्ट्रा में 2.96 इंच जबकि एज 50 प्रो 5G में 2.85 इंच की विड्थ मिलती है जो कि 14 अल्ट्रा से कम है। बात करें थिकनेस की तो 14 अल्ट्रा में 0.36 इंच जबकि एज 50 प्रो 5G में 0.32 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो 14 अल्ट्रा में 219.8 ग्राम जबकि एज 50 प्रो 5G में 186 ग्राम का वेट देखने को मिलता है। चलिए अब हम डिस्प्ले की तुलना करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो 14 अल्ट्रा में एमोलेड जबकि एज 50 प्रो 5G में PoLED की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो 14 अल्ट्रा में 6.73 इंचेस जबकि एज 50 प्रो 5G में 6.7 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन 14 अल्ट्रा में 1440x3200px QHD+ और एज 50 प्रो 5G में 1220x2712px FHD+ मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 14 अल्ट्रा में 89.98% जबकि एज 50 प्रो 5G में 92.85% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो 14 अल्ट्रा में 521 पिक्सेल प्रति इंच जबकि एज 50 प्रो 5G में 444 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो 14 अल्ट्रा में 1 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 50 MP 1.6 कैरेट वाइड एंगल कैरेट प्राइमरी कैमरा 23 mm फोकल लेंथ कैरेट 1 tilde सेंसर साइज 50 MP 1.8 कैरेट अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा 12 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 1.8 कैरेट टेलीफोटो कैमरा 75 mm फोकल लेंथ कैरेट 2.55 tilde सेंसर साइज 50 MP 120 mm फोकल लेंथ देखने को मिलता है। और एज 50 प्रो 5G की बात करें तो इसमें 3 कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि प्राइमरी कैमरा अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और आखिर में टेलीफोटो कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो 14 अल्ट्रा में 14 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं और एज 50 प्रो 5G की बात करें तो उसमें 15 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो 14 अल्ट्रा में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें कि 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं और एज 50 प्रो 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है जिसमें 5 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में जिसमें हम CPU, GPU और RAM की जानकारी देखेंगे। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU की बात करें तो 14 अल्ट्रा में Adreno 750 जबकि एज 50 प्रो 5G में Adreno 720 मिलता है। चिपसेट की बात करें तो 14 अल्ट्रा में Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 और एज 50 प्रो 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 मिलता है। बात करें RAM की तो 14 अल्ट्रा में 16 GB की RAM मिलती है जबकि एज 50 प्रो 5G में 2 ऑप्शन देखने को मिलता है जिसमें 8 GB 12 GB RAM मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं वो 14 अल्ट्रा में 512 GB जबकि एज 50 प्रो 5G में 256 GB स्टोरेज मिलती है। एक्सपैंडेबल मेमोरी दोनों फोन में नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में एंड्रॉइड V14 देखने को मिलती है। बैटरी 14 अल्ट्रा में 5000 mAh जबकि एज 50 प्रो 5G में 4500 mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं।
कलर्स की बात करें तो 14 अल्ट्रा में दो कलर्स जबकि H50 Pro 5G में चार कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो 14 अल्ट्रा में एक ही वेरिएंट देखने को मिलता है जो कि 16GB रैम 512GB स्टोरेज के साथ 74,890 रुपीस में मिल जाता है। वही अगर बात करें H50 Pro 5G की तो उसमें दो वेरिएंट देखने को मिलते हैं जो कि 8GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 30,999 रुपीस, 12GB रैम 256GB स्टोरेज के साथ 34,999 रुपीस में मिलते हैं। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में 14 अल्ट्रा आगे है। मेन कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में 14 अल्ट्रा आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Vivo V30 5G है, दूसरा Vivo V30 Pro 5G है, तीसरा Samsung Galaxy A55 5G है और लास्ट कॉम्पिटिटिव फोन की बात करें तो उसमें Honor 200 Pro 5G है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। प्रिय दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।